विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 विषय गणित कार्यपत्रक 24। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 24 दक्षता 3 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, हल कीजिए। हमें ये सवाल हल करने हैं, तीनों घटाव के सवाल हैं। यह देखिए, अब यहाँ घटाव करनी है, यहाँ पे डिब्बे, यहाँ पे खाली जगह है, तो आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। 469 में से हम क्या घटाएं कि 395 प्राप्त हो जाए, तब हम 469 में से 395 घटा लेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 4। 6 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 7। 3 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 0। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, ये संख्या प्राप्त होगी। समझ में आ गया। अगला है, 476 में से हम क्या घटाएं कि देखिए यहाँ पे दो जगह यहाँ खाली है और एक जगह यहाँ पे खाली है। अब हम 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। 7 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से हम 8 घटाएंगे, बचेगा 9, और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 2। तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। अगला है, 769 में से घटाना है। अब देखिए, 9 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 2। 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4। 7 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। इस प्रकार से यहाँ आएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। अगला सवाल, दूसरा, हल कीजिए। हमें यह हल करना है। ए है 121 प्लस 211, दोनों को जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2, दो में एक जोड़ेंगे 3, एक में दो जोड़ेंगे 3, कितना आया 332। बी 266 प्लस 232, 6 में दो जोड़ेंगे 8, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 2 में दो जोड़ेंगे 4, कितना आया 498। सी 312 में हम क्या जोड़ें 434 आ जाए, तब हम 434 में से 312 घटा लेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, यानी यहाँ आएगा 122। डी किस संख्या में हम 126 जोड़ें कि 399 प्राप्त हो जाए, तब हम 399 में से 126 घटा लेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3, 9 में से 2 घटाएंगे बचेगा 7, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, कितना आया 273। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ हैं, रमा ने 243 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी, यानी शेष हैं। 324 में से उसने 243 पृष्ठ पढ़ लिए तो ये घटा लेंगे, तो आएगा 324 माइनस
43। अब हम इसमें से ये घटाएंगे, आप अलग से भी घटा सकते हैं, 324 में से घटाना है 243, तो प्राप्त होगा 81 पृष्ठ। तो अब कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी हैं? 81 पृष्ठ पढ़ने बाकी है। सवाल नंबर 4, 483 में कितने जोड़े की 785 संख्या प्राप्त हो? इसमें कोई संख्या जोड़नी है, 785 प्राप्त हो, तब 785 में से ये घटा लेंगे, 785 में से 483 घटा लेंगे। आप इसको अलग से घटा लेंगे, 785 माइनस 483 बराबर 302। 302 यदि हम 483 में 302 जोड़ेंगे तो हमें 785 प्राप्त हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है 5वां। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। शंकर के पिता 325 रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ 628 रुपये कमा कर लाई। माँ और पिता ने कमाए हुए रुपयों को एक खाली बक्से में रख दिया। अब बताइए उस बक्से में कितने रुपये हैं? देखिए 325 कौन लाया? शंकर के पिता। और 628 कौन लाई? शंकर की माँ। दोनों के हम क्या कर लेंगे? जोड़। 5 में 8 जोड़ेंगे, 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, कितना आया 953। तो ये लिखेंगे 325 रुपये शंकर के पिता और 628 रुपये माँ, कुल रुपये 953 रुपये है। ऐसा हम लिख सकते हैं, अलग से लाइन भी लिख सकते हैं, बक्से में कुल 953 रुपये है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है शंकर के पिता 559 रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ भी कुछ और रुपये कमा कर लाई। माँ और पिता ने कमाए हुए रुपयों को जब एक खाली बक्से में रखा तो बक्से में कुल 998 रुपये हो गए। अब बताइए माँ कितने रुपये कमा कर लाई? बक्से में कुल कितने हो गए? 998। उसमें से जो शंकर के पिता कमा के लाए वे घटा लेंगे तो उसकी माँ ने जो रुपये कमाए वो प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ 8 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 8 9 से उधार लेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4, कितना आया 439। तो ये रुपये कौन था? पिता, सॉरी ये कुल रुपये हैं 998 रुपये कुल, और ये उसके रुपये पिता, पिता कमा के लाया, तो ये रुपये कौन कमा के लाया? माँ। तो हम लिख सकते हैं अतः माँ 439 रुपये कमा कर लाई। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला है शंकर के पिता कुछ रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ 229 रुपये कमा कर लाई। माँ और पिता ने कमाए हुए रुपयों को जब एक खाली बक्से में रखा तो बक्से में 820 रुपये हो गए।
अब बताइए पिता कितने रुपए कमा कर लाए? वही इसके जैसा ही, कुल रुपए कितने? 820 हो गए। अब उसकी माँ कमा के लाई 229, वे घटा लेंगे तो उसके पिता जो कमा के लाए वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। जीरो में से नौ घटाएंगे नहीं घटेगा, दो से उधार लेगा यहाँ बचेगा एक, यहाँ हो जाएगा दस, दस में से नौ घटाएंगे एक, एक में से दो नहीं घटेगा एक उधार लेगा यहाँ बचेगा सात, यहाँ हो जाएगा ग्यारह, ग्यारह में से दो घटाएंगे नौ और सात में से दो घटाएंगे पाँच, कितना? 591 रुपये। 820 रुपये ये थे कुल, 229 रुपये माँ, तो ये रुपये कौन लाया? पिता। हम लिख सकते हैं शंकर के पिता 591 रुपये कमा कर लाए हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था कार्यपत्र 11, हमने समझ के हल किया। आप भी इस कार्यपत्र को समझ के हल कीजिए और इस प्रकार के और भी सवाल आप अपने पाठ्यपुस्तक से लेकर के उनका भी आप नियमित अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।